नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका इस अहिंसा कॉन्वर्सेशंस के लाइव सेशन में। आज हम संदीप पांडे जी से बात करेंगे और हमारे साथ कई नौजवान शामिल हैं जो अपने विचार, अपनी विडंबनाएं, अपने सवाल एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। संदीप जी भी के साथ शेयर करके उनसे हम रिस्पॉन्स लेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है पैगाम और अहिंसा कॉन्वर्सेशंस ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है, आप सबका स्वागत है। और तो हम अब संदीप जी से उनकी बात सुनते हैं। हिंसा अहिंसा की जो बात है या इस तरह के जो भी दो जो विपरीत एक तरीके से कहना चाहिए जो अवधारणाएं हैं, मैं उसको कैसे समझता हूं मैं आपको बताऊं। मैं उसको ऐसे समझता हूं कि देखिए, कुछ चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में जो जो स्वाभाविक होती हैं, जो जो हम मतलब हमारी स्वाभाविक स्थिति या जिसको हम पसंद करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सुविधाजनक महसूस करते हैं, है ना। तो आप अगर उस हिसाब से देखेंगी तो अहिंसा की स्थिति हमारी स्वाभाविक स्थिति, मतलब ये नहीं है कि हम आदतन हिंसा करते हैं। हिंसा तो इंसान बहुत मजबूरी में करता है ना। आप अगर जानवरों से तुलना करेंगे तो जो जानवर हिंसा करते हैं भाई, वो हिंसा अपना पेट भरने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर शेर को भूख नहीं होगी तो वो बिना वजह हिरण को मार के नहीं खाएगा। तो वो असल में वो तो वो अपनी भूख को पूरा करने के लिए हिरण को मार रहा है या किसी भी जानवर को मार रहा है। लेकिन हम जो हिंसा करते हैं वो असल में उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अनावश्यक है और वो मजबूरी में करता है इंसान। हमारी स्वाभाविक स्थिति अहिंसा में जीने की है और उसी में हमें सुविधा लगती है, वही में हमारे लिए सुविधाजनक स्थिति है। और अगर एक एक कदम और आगे जाके ये कहें कि अस्तित्व अहिंसा का ही है, हिंसा का कोई अस्तित्व नहीं होता। हिंसा जो है मनुष्य की ना समझदारी का परिणाम है। मनुष्य जब समझदारी से काम नहीं लेता है तब हिंसा पैदा होती। अगर वो समझदारी से काम लेगा तो वो अहिंसा की स्थिति में ही रहेगा। और आप देखिएगा कि हम अपने समाज में ऐसे लोगों को ज्यादा समझदार मानते हैं जो ठंडे दिमाग से, जो आराम से बातचीत करके चीजों का हल निकालते हैं। मतलब कहीं अगर लड़ाई भी होती है, युद्ध भी कहीं होता है, तो उसमें भी अंत में यही कहा जाता है कि भाई बातचीत से हल निकाला जाए, चाहे वो यूक्रेन रूस का मामला हो या फिर वो भारत पाकिस्तान का मामला हो, भारत चीन का मामला हो, फिलिस्तीन और इसराइल का मामला हो, तो बातचीत से ही हल निकलता है, ये सबको मालूम है। हिंसा तो इंसान मजबूरी में करता है, जैसे कि इस समय रूस जिस वजह से भी हिंसा कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन पूरी दुनिया कह रही है कि हिंसा रुकनी चाहिए, यानी हिंसा स्वाभाविक नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि हाँ, मैं तो ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस जो है वो तो अहिंसा का ही है। हिंसा नाम की चीज सिर्फ मनुष्य की गैर समझदारी का परिणाम है। और इसको और बेहतर ढंग से समझना चाहें अगर, तो मैं ये उदाहरण कई बार देता हूं कि आप प्रकाश और अंधकार से इसकी तुलना कर सकते हैं, वो हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रकाश नाम की जो चीज होती है उसका कोई स्रोत होता है, मतलब या तो वो सूरज से है प्रकाश, या वो मोमबत्ती से है, या वो हमारी जो ट्यूबलाइट जल रही है जो कहीं पे एक थर्मल पावर स्टेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जहां वो पैदा हो रही है बिजली और फिर वो हमारे कमरे तक पहुंच रही है और वो बल्ब जल रहा है। तो
मतलब हम उसके स्रोत को हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये बिजली कहाँ से आ रही है, ये प्रकाश का स्रोत क्या है। हम बता सकते हैं कि ये सूरज है, वो बिजली घर है, या वो मोमबत्ती है। तो प्रकाश का स्रोत होता है, आप स्विच दबाते हैं तो प्रकाश आ जाता है, लेकिन अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता। मतलब आप कोई ऐसा बटन नहीं बना सकते बिजली का कि जिसको दबाने से अंधकार हो जाए, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है समझने का, जो मैं कह रहा हूं अस्तित्व। तो अस्तित्व प्रकाश का ही होता है, अंधकार का अस्तित्व नहीं होता है। हम किसी कमरे में अचानक अंधकार नहीं कर सकते। अंधकार हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वो है प्रकाश को रोक के। आप सारे कमरे के दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे वर्दे बंद कर दीजिए तो अंधकार हो जाएगा, वो भी पूरा अंधकार नहीं होगा। तो अंधकार सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है, और उसका कोई स्रोत नहीं होता। तो अगर इसकी तुलना अगर समझदारी गैर समझदारी से करें, तो यानी कि मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति समझदारी की है, और इसीलिए मनुष्य अकेला जीव है धरती पे जो अपने लिए शिक्षा का कार्यक्रम चलाता है। वो पूरे दुनिया में शिक्षा का कार्यक्रम उसने चलाया हुआ है अलग अलग तरीके से, और शिक्षा के कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि मनुष्य का बच्चा समझदार बने। और जब उसकी समझदारी की शिक्षा पूरी नहीं होती है, या उसे ठीक से शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा की जरूरत है ये तो सर्वविदित है, मतलब ये तो हम देख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य शिक्षा का कार्यक्रम चलाता ही है, पहले भी चलाता था, अभी भी चला रहा है। लेकिन जब उस शिक्षा में कमी रह जाती है, तो फिर गैर समझदारी की मतलब गैर समझदारी बची रह जाती है मनुष्य के अंदर, और उसकी वजह से वो तमाम गलतियां करता है, और उसमें एक हिंसा भी एक गलती है। तो इस तरह से मैं हिंसा अहिंसा के सवाल को समझता हूँ, और जैसे जैसे दुनिया और समझदार हुई है, ये ठीक है कि हमने एक से एक खतरनाक हथियार भी बना लिए हैं, लेकिन कुल मिला के हम ऐसी दुनिया की तरफ मुझे लगता है बढ़ रहे हैं, जहाँ हम ये चाहेंगे कि अहिंसा की स्थिति बनी रहे, चाहते सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। तो फिर इस नजरिए से आप अभी जो हमारा वर्तमान है उसमें आप उम्मीद कैसे देखते हैं, क्योंकि ये आपकी खासियत है कि आप घोर अंधकार में भी उम्मीद की किरण को अक्सर देखते हैं, और उसके ऊपर हम सबको देखने में मदद करते हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि घर घर की इस समय कहानी है कि एक घृणा का माहौल है, और किसी ने कहा है कि घृणा जो है वो हिंसा से बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई है, और घृणा से पहले है भय, दैट इट इज बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू जनरेट हेट्रेड, फियर इज जनरेटेड एंड दैट देन टर्न्स इनटू हेट्रेड। तो वो हम अभी जो परिस्थिति देख रहे हैं अपने देश में और कुछ हद तक दुनिया भर में, और अगर हम अपने ही देश की बात करें, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या उम्मीद की किरण है? नहीं, आपने आपकी डायग्नोसिस बिल्कुल सही है रजनी बहन। हिंसा के पहले घृणा होती है, घृणा के पहले भय होता है, और वहां भी अगर आप देखें इसको, तो मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी स्वाभाविक स्थिति दूसरे मनुष्य पे विश्वास करने की, और जिनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा धोखा ना हुआ हो, जिनके बुरे अनुभव ना हुए हो, वैसे मनुष्य आप देखेंगे कि दूसरों पे विश्वास करते ही। अविश्वास तो हम तब सीखते हैं जब हमारे साथ धोखा होता है, फिर हम अविश्वास करने लगते। और ये भी उदाहरण मैं कई बार देता हूँ कि जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि इसमें कंपटीशन नाम की चीज है जो हमें दूसरे मनुष्य आगे बढ़ने के लिए हमेशा वो हमें धक्का देती रहती है, तो हम धीरे धीरे उस वजह से हम दूसरे मनुष्यों पे विश्वास करना बंद करें। तो
आप देखिए कि जो लोग जो इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से अभी नहीं गुजरे हैं वो ज्यादा आसानी से दूसरों पे भरोसा करते हैं, और जब आधुनिक दुनिया के संपर्क में आते हैं और खास करके शिक्षा व्यवस्था से गुजरते हैं तो हम धीरे धीरे विश्वास करना दूसरे मनुष्यों पे बंद कर देते। तो जिनके बुरे अनुभव होते हैं या वो इस तरह के किसी सिस्टम से गुजरते हैं, अगर आप पुलिस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, तो आपको और सिखाया जाएगा कि आपको दूसरों पे भरोसा नहीं करना है। आप IAS अधिकारी बनेंगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि विश्वास नहीं करना है। तो कई बार माता पिता भी अनजाने में बच्चों को कह देते हैं कि तुम बाहर जा रहे हो, कोई अजनबी मिले तो विश्वास न करना। आप ट्रेन में जाइए तो बकायदा अनाउंसमेंट होता है कि अनजान व्यक्ति की दी हुई खाने पीने की चीज़ मत खाइए। तो ये चीज़ मुझे लगता है बहुत नुकसान करती है, क्योंकि ये हमें दूसरे मनुष्यों पर विश्वास न करना सिखाती है, जिस वजह से भय पैदा हो। तो भय है विश्वास की कमी। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो विश्वास को मजबूत करे और दूसरे मनुष्यों पे पूरा भरोसा करके जीना सिखाए, तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा भयमुक्त, विश्वास और एक दूसरे से सहयोग करके, प्रेम करके जीना सीखेंगे। ऐसे समाज में हिंसा भी कम होगी या नहीं होगी। जी जी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम जो उसका मूल है, जो विश्वास है, उसी को खत्म करने का पूरा कार्यक्रम हमने चला। जी, पर उन परिस्थितियों को फिर हम कैसे देखें जिनमें किसी के ऊपर हिंसा हुई हो, उनको दबाया गया हो, उनके ऊपर अत्याचार हुआ हो। हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी के ऊपर हुआ हो, या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ हो, या कश्मीर घाटी के बाकी जो लोग हैं टेररिस्ट और सरकारी दोनों तरफ से, उनके ऊपर हुआ हो, जब हिंसा का अनुभव हो चुका हो, तो फिर जो है हम ये शांति और प्यार के रास्ते को कैसे कायम रखें। आपने तो इसके ऊपर पूरी यात्रा निकाली थी आज से कुछ 20-22 साल पहले, तो आपका इस पे बहुत अनुभव है मैं जानती हूँ, तो इस पे कुछ बताइए। नहीं, आपकी बात सही है। जो बुरे, जैसा वो मैंने पहले ही कहा था, जो बुरे अनुभव से गुजरे हैं, जैसे कल ही मेरी एक बात हो रही थी एक लड़की से, जो जिसके साथ बचपन में यौन शोषण जैसी घटनाएं हुई, तो अब जिसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हो तो वो फिर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। वो लड़की मुझसे कह रही थी कि जैसे ही शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि उसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो आप जो दूसरे उदाहरण भी ले रही थी, तो अगर हमारे साथ कोई बुरा अनुभव हुआ है तो जाहिर है कि हम थोड़ा सा भयभीत रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वहीं अगर उसको ऐसा माहौल मिलता है जिसमें कि फिर से विश्वास को कायम करने का मौका मिलता है, तो जैसा मैंने कहा कि स्वाभाविक स्थिति तो हमारी विश्वास और इस तरह की जो जो सकारात्मक जो मूल्य है उसमें ही जीना है। तो अगर किसी को इस तरह का माहौल दोबारा मिल जाता है, तो वो चीज़ जो बिगड़ जाती है एक बार, वो ठीक होने में भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता और मनुष्य फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीने लगेगा। सवाल यह है कि उसको उस तरह का माहौल मिलना चाहिए। तो जो आप ने दूसरे अन्य उदाहरण लिए, उसमें भी मुझे लगता है कि अगर इस तरह के समाधान निकाले जाएं, जो पहले जो घाव हुए हैं उस पे मरहम लगाने का काम करें, तो वो विश्वास की स्थिति को फिर से कायम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस
मोड़ पर मैं अपने नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको इनवाइट करती हूँ कि आप अपने अपने विचार रखिए. हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? और अभी अभी तक बात बहुत एब्स्ट्रैक्ट रही है, तो अगर कुछ जी जी आप लोग. हाँ बिल्कुल, अभी की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं या वैसे भी स्पेसिफिक बहुत विशेष आप अपने अनुभव और अपनी जो आपकी दुविधाएं हैं उनको आप बिल्कुल बेझिझक रखिएगा और उस पर फिर हम लोग मिलकर सोचते हैं और बात करते हैं. तो कोई वॉलंटियर करेगा कि मैं इनवाइट करूं? हाँ जी जी अर्फील जी आइए ना, बोलिए अपना. सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना नाम बता दीजिए और आप इस समय लाइफ में क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं या किसी संस्था में हैं, वो बस एक दो शब्दों में वो कहकर फिर आप अपनी बात रखिए. थोड़ा परिचय हो जाएगा तो अच्छा रहेगा. जी जी मेरा नाम कफील अहमद फारूकी है और मैं पैगाम नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ हूँ और इसके अलावा पत्रकारिता की है मैंने. संदीप जी मेरा एक सवाल है, वैसे मैं भी अहिंसा को मानता हूं और बिल्कुल उस पे चलकर ही बड़ी से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन एक जगह पर आके मैं अटक जाता हूं. जैसे कि रजनी जी ने अभी पूछा कि जब किसी पे कुछ हो रहा हो, खास करके जब भय का माहौल हो, लेकिन उसी से मिलता जुलता मेरा एक सवाल है कि अगर कोई इंसान है, या मैं खुद को अगर एक उदाहरण के तौर पर लूं कि मैं हूं और कोई सामने से मुझ पे हमला कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है, और चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरे दोस्त हो या कोई भी हो, वो उन पे सीधे हमला कर रहा है, तो किस हद तक मैं खामोश रहूंगा? तो मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि क्या ये जो अहिंसा है, इसे कितना, ये कितना मुश्किल है इसको जीवन भर अपने इसको अमल में लाना? कफील भाई मैं ये कहूंगा कि, और ये मैंने गांधी जी ने भी कहा है कि अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है तो उस समय तो आपको अपने आप को बचाना ही पड़ेगा, और अपने आप को बचाने के लिए अगर आपको हिंसा भी करनी पड़े तो वो जायज है, ये गांधी जी ने कहा है. तो एकदम ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके ऊपर हमला हो, क्योंकि आपको याद होगा कि गांधी ने ये कहा है कि कायरता कोई अच्छी चीज नहीं है, मतलब कायरता से तो ज्यादा बेहतर है हथियार उठा के लड़ना अपने को बचाने के लिए. तो अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप वो हमला होने दें, आप उससे बिल्कुल बचने की कोशिश करेंगे, उसका अगर हिंसा से जवाब देना हो तो हिंसा से जवाब देंगे अपने बचाव में. लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी फिर आप हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अगर सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगों की बात ले लें तो इस देश में कई बार ऐसी परिस्थिति आती होगी, खास करके मुसलमानों के साथ, कि आक्रमणकारी जो दंगाई है वो एकदम हमला करने को तैयार है. तो बहुत सारे दंगे हुए हैं, लेकिन हर एक दंगे में आपको ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलेंगी कि हिंदू परिवार ने किसी मुस्लिम परिवार को बचाया, हाँ, या इसका उल्टा, अगर हिंदू के ऊपर हमला हो रहा है तो उसको मुसलमान ने बचाया, ठीक है ना. तो जो हमला करने वाले लोग हैं या जो सांप्रदायिक लोग हैं या जो नफरत की राजनीति का शिकार हो गए हैं, ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत थोड़ी है. ज्यादातर लोग, और जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो मतलब आउट ऑफ द वे जाके अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है मान लीजिए तो आपको बचाने की कोशिश करेंगे, उनकी संख्या भी बहुत कम है. ज्यादातर लोग तो सामान्य लोग हैं जो उस हिंसा का हिस्सा नहीं बनना चाहते, कुछ एक एक हवा चलती है, कुछ उसमें बन भी जाते हैं. जैसे मैंने जब भारत पाकिस्तान की यात्रा की दिल्ली से मुल्तान की, तो हम दिल्ली से वाघा तक तो सड़क पे चल के गए थे और फिर वहाँ पे वाहनों से हम लोग गए थे वाघा बॉर्डर से लाहौर साहिवाल चीचावतनी होते हुए मुल्तान. तो हमें पंजाब के गांव में कई लोगों ने बताया कि एक ऐसा पागलपन सवार हो गया था पार्टीशन के समय,
कि लोग बता रहे थे कि हम अपने ही गांव के जिनको हम चाचा कहते थे, जिनको मामा कहते थे, जिनको भैया कहते थे, जो भी कहते थे, उन लोगों को मार मार के इन कुओं में डाला हमने और ये कुएं पट गए थे लाशों से। लेकिन करने के बाद हमको समझ में आया कि हमने गलत किया था। उस समय वो पागलपन सवार हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्वभाव से वो उनमें हिंसा है या उसके बाद रही। तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोग हिंसा के समर्थक अचानक हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वाभाविक रूप से हिंसक प्रवृत्ति के हैं। तो हमें जितनी जल्दी हो सके सामान्य स्थितियों को बहाल करना चाहिए और फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस विश्वास को कायम करें समाज में जिसके आधार पे अहिंसा टिकी रहेगी, अहिंसा बनी रहेगी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह के बिहेवियर को जनरलाइज न करें। हाँ, इस देश में मैं आपको बता दूं, इतनी सांप्रदायिक राजनीति होने के बाद भी मैं जमीन पे ये देखता हूँ जब मैं जाता हूँ काम करने। जैसे पिछले साल कोरोना के समय लॉकडाउन में हम लोगों ने लखनऊ के अंदर 12 रसोईयां चलाई और कहीं पे भी मैंने देखा कि हिंदू मुसलमान के आधार पे ये नहीं हुआ कि हम उनका बना नहीं खाएंगे, जाति के आधार पे हुआ। मतलब एक मुस्लिम महिला हमारी पार्टी में है, जीनत, तो वो वहां जहाँ खाना बना के खिला रही थी वहां बहुत अनुसूचित जाति के लोग भी रहते थे। तो हमने कहा सब लोग मिलके बनाओ, सब लोग मिलके खाओ। तो उसने कहा देखिए मैं बना के सबको खिला दूंगी, इनको अपना बर्तन में हाथ नहीं लगाने दूंगी। एक दूसरे गांव में कुछ दलित लोगों का बड़ा समुदाय था, वो खाना बना रहे थे और वहां पे एक मुस्लिम परिवार था जो उनके साथ बैठ के नहीं खाना चाहता था। तो उनका उनका खाना जो है, मतलब रॉ मटेरियल, उनका उनके हिस्से का रॉ मटेरियल उनके घर भिजवा दिया जाता था। तो कहीं भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे मैंने देखा कि कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा था। जो भी भेदभाव था वो हमारी पारंपरिक जाति व्यवस्था के कारण था। तो समाज में उस तरह का विश्वास लोग एक दूसरे पे करते हैं, ये एक भारत की बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति में भले ही भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तियां सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हों, लेकिन समाज के स्तर पे वो उस हमारे ढांचे को वो जरूर नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन वो सीमित सीमित दायरे में ही है। ज्यादातर जो समाज है और खास करके जो अनपढ़ और गरीब समाज है, जो ज्यादा समझदार है, वो अभी विभाजित नहीं हुआ है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत खूब। इसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहूंगी कि हमारे मेरे मेंटोर रहे हैं प्रोफेसर आशीष नंदी, उन्होंने कुछ साल पहले एक बहुत बार नहीं, 3-4 बार ऐसे लोगों से मिले, मतलब एक एक व्यक्ति से 3-4 बार मिले जो पार्टीशन की हिंसा से निकल कर आए थे। अब आप मान लीजिए कि 50-60 साल तब तक गुजर चुके थे, लेकिन एक बहुत अद्भुत बात उन इंटरव्यूज में निकल कर आई कि बहुसंख्यक ये जो सर्वाइवर्स थे जिन्होंने आशीष नंदी जी को इंटरव्यू दिए, उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए जिंदा रहे क्योंकि किसी इंसान ने जो कि दूसरे कौम का था उसने उनकी मदद की। तो ये हर घटना में यह देखने को मिलता है, ये एक बड़ा तसल्ली बख्श एक वो रहता है विचार। लेकिन फिर भी जो हालात हैं उनसे विचलित होना भी बिल्कुल स्वाभाविक है। अर्नाश, आप वुड यू लाइक टू कम इन नाउ? जी गो अहेड, अपना परिचय दीजिए एंड प्लीज फील फ्री, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से प्लीज फील फ्री टू चूज योर लैंग्वेज। जी जी, थैंक यू फॉर दैट रश्मि। नमस्ते, मेरा नाम अरनाज है और मैं सेंटर फॉर एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन नामक संस्था के साथ काम करती हूँ, मीडिया प्रोफेशनल हूँ।
तो ये सवाल काफी बर्निंग है मेरे लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल स्पेशली रिलेशनशिप्स में जो ये वायलेंस है, बिकॉज नॉन वायलेंस डिस्कोर्स में जिसपे हिंसा हो रही होती है उसका हक है डिफाइन करना कि ये वायलेंट था या नहीं वायलेंट था, राइट? तो जब ये हो रहा होता है तो बहुत टाइम हम देखते हैं कि इंडिविजुअल स्टार्ट वेपनाइजिंग दिस नॉन वायलेंस के मेरे पर हिंसा हो रही है, एंड देन देयर इज अ लूप दैट वी आर गेटिंग स्टक इन एंड नॉट बीइंग एबल टू यू नो मूव बियॉन्ड दैट टू मे बी अ कॉमन पॉइंट ऑफ ट्रूथ. एंड यही चीज अगर हम एक्सट्रपलेट करें एंड देखिए कि ये समुदायों के बीच में हो रहा है, मल्टीपल ग्रुप्स के बीच में भी हो रहा है, वेयर अगर कोई ग्रुप बोलता है कि हम तो हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड रहे हैं, हम पर हिस्टोरिकली ये हुआ, सो नाउ यू नो दिस इज जस्टिफाइड, आर वायलेंस इज नाउ जस्टिफाइड बिकॉज ये इट इज कमिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ यू नो बींग ओप्रेस्ड फॉर सो लॉन्ग, एंड देन ये नेवर एंडिंग लूप है. सो How do we kind of break that loop? या intervention point कहाँ हो इस चीज का? Because फिर तो हम बस इसी interpersonally still it is easier to figure, but अगर हम इतने larger communal context में उसे place करें या फिर countries and nations के context में place करें तो it's quite hard to kind of, I mean मुझे hopeless feel होता है देखकर. So how do we kind of intervene there? आपका नाम अरनाज है कि अरनज है? अरनाज. अरनाज, तो अरनाज आप को बहुत उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर जो मनुष्य हैं और ज्यादातर जो जो मुल्क हैं वो इस बात में विश्वास नहीं करते कि हम अपनी सुरक्षा हथियारों से कर सकते हैं. जैसा मैंने पहले कहा था कि जिस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंसा करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की मदद करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं प्ले करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव. कई बार जिस तरफ हवा चल रही है उधर वो झुक जाते हैं. तो आप अगर सिर्फ अपने आसपास देखिए, ठीक है ना, तो हथियार रखने वालों की संख्या बहुत कम है जो हथियार लेके चलते हैं. और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ रखने से ज्यादा दिखाने में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं. तो जिस जिले में मैं काम करता हूँ, हरदोई में, तो वहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि आपके पास न सिर्फ बंदूक होनी चाहिए बल्कि आपको दिखानी भी है कि आपके पास बंदूक है. तो वो उनकी उनकी साइकिल टूटी फूटी होगी, पैर में चप्पल होगी, लेकिन कंधे पे बंदूक लेके चलना वो अपनी शान मानते हैं. लेकिन ऐसे भी लोगों की संख्या बहुत कम होती है, मतलब वो माइनॉरिटी में है. ज्यादातर लोग जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो हथियार नहीं रखते हैं. मतलब वो असुरक्षित भी होंगे, उनके ऊपर हमले भी हुए होंगे, तो भी वो ये नहीं मानते हैं कि हमारी सुरक्षा हथियारों से होती है. तो हमारे यहाँ तो जब हम लोगों ने काम शुरू किया हरदोई जिले में, और ज्यादातर हमारा काम गरीबों के साथ था, दलितों के साथ था, तो उनके अंदर हिम्मत भरने के लिए हम अपनी पब्लिक मीटिंग्स में अनाउंस करते थे कि भाई जो जो लोग हथियार रखते हैं वो तो डरपोक लोग हैं, क्योंकि जो डरपोक है उसी को अपनी असुरक्षा दूर करने के लिए हथियार रखने की जरूरत होती है. जो बहादुर लोग होते हैं उन्हें तो हथियार रखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है. तो हम ये कहते थे कि हमारी मीटिंग में सिर्फ बहादुर लोग बैठे, जो भी डरपोक लोग हैं हथियार लेके आए हैं वो कृपा करके हमारी मीटिंग के बाहर चले जाएं, ये बहादुर लोगों की मीटिंग. तो लोगों में बहुत उत्साह और हिम्मत बढ़ती थी, और ऐसे हम लोगों ने कई बड़े बड़े जो ग्राम प्रधान और इस तरह के लोग थे जो हथियारों से लोगों को डराते थे, तो उनकी हमने हवा निकाली, उनके आतंक की. और जब पूरा पूरा समूह है तो उसके सामने तो वो हिंसा नहीं कर सकते, तो वो बेचारे झेप के चले जाते थे. मेरा एक छोटा सा आश्रम है,
वहां पे दो चीजें प्रतिबंधित हैं, तंबाकू और बंदूक। तो कई बार कोई जो बंदूक वाला आता है मुझसे मिलने के लिए, तो वो आश्रम के बाहर से ही खड़े होकर बात करता है, वो पीछे अपनी बंदूक छिपा लेता है और फिर वहां से ही चिल्ला चिल्ला के बात करता है। तो इसी तरह से अगर आप दुनिया में मुल्कों को देखेंगे, तो हमने परमाणु हथियार बनाया, न्यूक्लियर वेपन, और हमने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम भी दुनिया की अगर सबसे बड़ी नहीं तो कोई इस इलाके की तो एक एक शक्ति बने, और हम सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के पांचों जो मेंबर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। तो हमें लगता है कि ताकत के बल पे सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ली जा सकती है, तो पहले हम ताकतवर बने। तो हमने परमाणु हथियार बनाया और फिर हमारे बाद पाकिस्तान ने भी बना लिया, इसराइल के पास तो पहले से ही है, और नॉर्थ कोरिया ने भी बना लिया है और ईरान ने भी बना लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 10 मुल्कों को छोड़ के 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स और 5 जिन्होंने CTBT और NPT जैसी संधियों को नजरअंदाज करते हुए या उनकी अवहेलना करते हुए अपने अपने परमाणु हथियार बना लिए। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने, जिसमें पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका है, पूरा का पूरा अफ्रीका है, दक्षिण पूर्व एशिया के सारे देश हैं, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारे देश, और मध्य एशिया के 5 देश, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन और 2 और देश, और एक 5वां इलाका है, अकेला देश है, मंगोलिया। ये 5 इलाकों ने दुनिया में बकायदा संधि करके, और ये उस तरह की संधि नहीं है जो अमेरिका बाम और मरोड़ के छोटे छोटे देशों की साइन करवा लेता है, ये इन 5 देशों ने अलग अलग, मतलब 4 इलाकों ने तो बकायदा अपनी अलग अलग संधियां की हैं, और मंगोलिया की तो संसद में प्रस्ताव पारित है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। इन देशों की अगर पूरी संख्या देखेंगे तो ये 125 के करीब देश है, यानी कि 125 देशों ने अपनी तरफ से वॉलंटरिली संधि पे साइन करके कहा है कि ना तो हम कभी परमाणु हथियार बनाएंगे और ना कभी अपनी जमीन पे किसी दूसरी बड़ी शक्ति को अपना परमाणु हथियार लगाने देंगे। ठीक है, जैसे अमेरिका कई यूरोप के देशों में उसने अपने मिसाइलें और शायद परमाणु बम भी लगा के रखे हुए हैं रशिया की तरफ, ये करके उनकी दिशा करके। तो दुनिया के ज्यादा देश जो हैं, 100 के ऊपर देश जो हैं, वो ये मानते हैं कि परमाणु हथियार से हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती। बल्कि मजेदार बात तो ये है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के पास करीब 35,000 परमाणु हथियार थे और वो 4 देशों के हिस्सों में आए जब उसका विघटन हुआ। रूस के पास थे, यूक्रेन के पास थे, बेलारूस के पास थे और कजाकिस्तान के पास। इसमें से बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान ने ये कहा कि भाई इसकी हमको क्या जरूरत, अब तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अब तो हमें कोई लड़ाई वड़ाई लड़नी नहीं है, और उन्होंने अपने हथियार उठा के रूस को सौंप दिए। और यूक्रेन ने एक समझौता भी किया था रूस के साथ जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड भी शामिल हुए थे, वो जो समझौता साइन हुआ था, और यूक्रेन ने कहा था कि हम अपने परमाणु हथियार आपको दे रहे हैं लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी आप लीजिए। तो ये रूस ने बहुत बड़ा धोखा दिया है एक तरीके से यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन ने तो अपनी सुरक्षा रूस के ऊपर सौंपी हुई थी। अब इसके बीच में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई कि यूक्रेन अमेरिका के ज्यादा नजदीक जाने लगा और जिससे रूस को असुरक्षा होने लगी,
कि कहीं यूक्रेन नाटो में ना शामिल हो जाए और फिर इसलिए ये लड़ाई हो रही है। लेकिन एक समय ऐसा था जब रूस ने वॉलंटरली अपने न्यूक्लियर वेपन्स खत्म किए थे। आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद रूस हमला नहीं कर पाता या इतना लंबा तो कम से कम युद्ध नहीं चलता। तो दुनिया के ज्यादातर देश हथियार न रखने में विश्वास करते हैं, ज्यादातर मनुष्य हथियार न रखने में विश्वास करते हैं। मतलब मैं तो सोचता हूं कि अगर कभी कोई मुझे कोई बंदूक लाके दे और कहे कि इसे आप अपनी सुरक्षा के लिए रख लीजिए, तो मेरे लिए तो बहुत परेशानी ये हो जाएगी कि मैं अपनी सुरक्षा करूं कि उस बंदूक की सुरक्षा करूं। तो मुझे मतलब उस बंदूक की ज्यादा चिंता होने लगी कि भाई ये सुरक्षित है कि नहीं। मतलब रात को फिर नींद ही नहीं आएगी कि भाई बंदूक ही हमारी कोई ना उठा ले जाए। तो ज्यादातर इंसान आप देखिए हथियार न रखने में अपनी सुरक्षा मानते हैं, उसी तरह से ज्यादातर देश भी हथियार न रखने में अपनी सुरक्षा मानते हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि अब हम दुनिया के ऐसे देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं जो ताकत के बल पे अपना साम्राज्य या अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तो आपके सवाल का छोटा सा उत्तर ये है कि ज्यादातर लोग वेपनाइजेशन को नहीं मानते, जो पीड़ित भी होते हैं वो बिना हथियार के ही अपनी रक्षा करते हैं। जी जी लाइक टू कम इन हियर विद योर थॉट्स और योर क्वेश्चंस। प्रकम्य यस मैम, थैंक यू मैम। गो अहेड, अपना परिचय दीजिए। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, से अ बिट अबाउट वन लाइन अबाउट व्हाट यू डू, प्लीज गो अहेड। तो मेरा नाम प्रकम्य शर्मा है, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मेरे को पैगाम का रेफरेंस मेरी एक दोस्त ने दिया था, एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जिसका नाम नंदिनी चौहान है। तो मेरा सर से एक क्वेश्चन है कि एक वॉर सिचुएशन के टाइम पे दो गुट होते हैं, दो गुट के लोग लड़ते हैं, लड़ने से पहले अर्फील जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। अर्फील जी हाँ, गो अहेड प्लीज, गो अहेड। हाँ जी, तो लड़ने से पहले बहुत सारी सिचुएशंस पैदा होती हैं जिनमें दोनों गुटों के लोग अपने अपने मुल्क अपने अपने देशों के लिए लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जैसे डिप्लोमेसी हो गई, रिलेशंस हो गए, अपने सम्मान के लिए लड़ना होगा, इस वजह से दोनों गुट बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो एक लेवल ये है मोटिवेशन का, एक दूसरे को जान से मार देना है। फिर एक दूसरा होराइजन पैदा होता है जो हमें एक नॉन वायलेंस अप्रोच की तरफ मोड़ के लेके जाना चाहता है। तो मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि दोनों चीजों एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक पहुंचने के लिए वो एक क्या मोटिवेशन है, क्या चीज होती है जिसके थ्रू हम इस चीज को नॉन वायलेंस की तरफ मोड़ के उसका एक फ्रूटफुल सॉल्यूशन निकाल सके। मैं ये भी जोड़ूंगी संदीप जी कि अब जैसे यूक्रेन में विशेष हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों ने टैंक के सामने खड़े होने की हिम्मत की, जो इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। तो प्रयास तो हो रहे हैं लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो रहा, तो इसको हम कैसे देखें? जी नहीं, ये मतलब अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि इसके बावजूद युद्ध चल ही रहा है, तो ये दिखाता है कि इस समय ना समझदार लोग ज्यादा हावी हैं और वो इसलिए युद्ध अभी भी किए जा रहे हैं। और वो दोनों तरफ हैं, मतलब एक तरफ रूस तो है ही दोषी, लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ बिडेन साहब वहां पहुंच गए हैं और उनका वहां क्या काम है सिवाय इसके कि आग में घी डालने के। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को और हथियार मिले और उनका नेता भी हथियार मांग रहा है। अब भाई नेता का तो खैर काम ही है कि अपने देश को बचाना है, तो वो तो हथियार मांगेगा ही,
लेकिन जो दूसरे देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, जैसे अमेरिका है, जो उसकी भूमिका ये होनी चाहिए थी कि तुरंत संयुक्त राष्ट्र संघ में और खास करके सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग बुला के और इस समस्या का समाधान किया जाता। और अमेरिका को यह स्पष्ट करना पड़ेगा दुनिया के सामने कि भाई आप सारा जो आप हथियारों की होड़ कर रहे थे वो आप शीत युद्ध के लिए के समय में कर रहे थे, आपका सबसे बड़ा दुश्मन अब खत्म हो गया है, तो अभी आप नाटो का विस्तार क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या रुचि है नाटो का विस्तार करने में। तो ये बहुत इस तरह के सवाल है जिसपे कि इन सारे देशों के फोरम पे ही बातचीत हो सकती है, और ईमानदारी से जब देश ये तय करेंगे कि नहीं हमें ये हथियारों की होड़ को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें युद्ध नहीं होने देने हैं, तभी जाके युद्ध रुकेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इसका एक आर्थिक पहलू भी है। अब अमेरिका में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने सैनिक ताकत के बल पे दुनिया के छोटे छोटे देशों को डराता धमकाता रहता है, उसने अपने सैनिक बेस बनाए हुए हैं कई जगह, कई देशों को जैसे अरब के कई देशों को उसने सुरक्षा का वायदा किया हुआ है यदि उनके ऊपर हमला होगा, जहां से वो तेल मंगाता है। तो जब तक ये अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक दुनिया से परमाणु हथियार नहीं खत्म होंगे, और जब तक सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्होंने अपने लिए वीटो पावर भी रखा हुआ है, जिसके बल पे वो मनमानी करते रहते हैं बिना कोई किसी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में बहस किए हुए, जिसके ऊपर अमेरिका जाके इराक पे हमला कर देता है, रूस यूक्रेन पे हमला कर देता है, चीन जो है वो ताइवान को धमकी देता रहता है, हांगकांग में उसने एक लोकतंत्र के आंदोलन को कुचल दिया, तो ये जो शक्तियां हैं जो अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देती हैं क्योंकि इनके पास वीटो पावर है, तो ये सारी जो लड़ाइयां हैं दुनिया की तभी खत्म होंगी जब दुनिया में एक बराबरी वाली व्यवस्था कायम होगी। ये जो महाशक्तियां हैं ये मानेंगी कि इनके कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये अपने परमाणु हथियार छोड़ने को तैयार होंगी। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में आखिरी बार ये कोशिश की थी, किसी बड़े नेता के द्वारा ये कोशिश हुई थी कि ये जो दुनिया की 5 महाशक्तियां हैं ये अपने परमाणु हथियार छोड़ दें। राजीव गांधी कह रहे थे कि आप हमें टाइमलाइन बता दीजिए कि आप कितने समय में अपने हथियार खत्म करेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का जो उद्देश्य है वो हासिल किया जाना चाहिए, वो एक आदर्श है, और जब वो हासिल किया जाएगा तो दुनिया में युद्ध होने की संभावना कम होगी। लेकिन वो 5 देश उनकी बात नहीं माने, और उसके बाद ये राजीव गांधी की सरकार थी हिंदुस्तान के अंदर जिसने परमाणु हथियार बनाने का फैसला लिया था। ये बात दूसरी है कि उसकी टेस्टिंग अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दी जब वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन बम बनाने का फैसला राजीव गांधी ने ये एक कोशिश करने के बाद कि सारे जो बड़े मुल्क हैं वो अपने परमाणु हथियार छोड़ दें, जब वो इसमें असफल रहे तब उन्होंने ये खतरनाक हथियार बनाने का फैसला लिया। तो अगर उनके जैसे और नेता समझदार होते, ऐसे समझदार नेता बहुत दुनिया में कम होते हैं और बहुत लंबे लंबे समय पे आते हैं, मैं अगर जितना मेरा जीवन है उसमें अगर याद करूं तो मुझे एक तो मिखाइल गॉर्बोचोव दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने कुछ समझदारी दिखाई और अमेरिका के साथ संधियां की, हथियारों की संख्या अमेरिका और रूस ने दोनों ने कम की। एक जमाना था जब बहुत परमाणु हथियार थे, इतने परमाणु हथियार थे कि दुनिया को 50 बार नष्ट कर किया जा सकता था, लेकिन अभी उनकी संख्या कम की गई है, लेकिन फिर भी अभी काफी ज्यादा है, 5-5, 6-6 हजार बम तो दोनों के पास हैं, अमेरिका और रूस, और कुल मिला के मुझे लगता है कि
15,000 के करीब परमाणु हथियार अभी भी हैं, 12 से 15,000। तो तो समझदार नेता समय समय पे आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो गैर समझदार हैं वो हावी हैं और इसीलिए युद्ध होते रहते हैं। समझदार लोग आएंगे तो ये युद्ध होना बंद होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और ये समझदारी नेताओं के स्तर पे भी होनी चाहिए और जनता के स्तर पे भी, क्योंकि जब तक जनता समझदार नहीं होगी तब तक वो समझदार नेताओं को चुनेगी नहीं। अगर आप गलत किस्म के नेताओं को चुन देंगे, जैसे अमेरिका में जो इसके पहले राष्ट्रपति थे ट्रम्प, या हमारे इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, या पुतिन जैसे जो राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इस तरह के जो नेता चुने जाएंगे जो राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को उकसाने का काम करते रहते हैं, तो युद्ध की संभावना बनी रहेगी। और जैसे जैसे और समझदार लोग आएंगे और जनता भी समझदार होगी, तभी इन ये चीजें रुकेंगी। जी जी, किंजल, वुड यू लाइक टू कम इन नाउ? किंजल, आप हैं? यस, हाय। प्लीज, कैन इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज? Actually, I have low internet bandwidth, so if I turn okay, camera, no problem. Please go ahead. Ji, boliye. Okay. So my question is. First of all, I am your introduction. Yeah. Pehle, please. One, yes. Just one or two lines. My name is Kinjal Saraogi, and I am associated with the Blue Ribbon Movement, and I'm a student of English literature. I'm doing my master's in English. And my question is, I think everyone has been talking about very international, national concepts. I want to go to more the social life that we lead and how to practice ahimsa there. Because nowadays there is this sort of fake positivity, which is like you have to be very sugar-coating everything, speak very sweetly, and if we do not express freely, or if we express anger, it is considered to be violence, or it is considered to be acha ye bure insaan hai ya aisa kuch hai. So I find that very violent, to want to constrict a person to only be nice, to only be good, to only speak sweetly. So how in the isn't expressing freely, or isn't restricting free expression also a sort of violence, is my question. And is it right to express freely, not in the way that aap kisi ko jaake chanta maar rahe, but in the way that aapko koi cheez buri lag rahi hai to aapko us samay gussa aa jata hai, to aap us prakar se aap express karte hain. And jaise inhone kaha ki hum wo bure insaan nahi hai, but it's because the circumstances drive us, we behave or we express that way. Ji. Yes. Nahi, aapki baat bilkul sahi hai Kinjal. अभी जो हमारे देश में माहौल बन गया है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बहुत कर्टेल किया गया है, और लोग अपनी जो स्वाभाविक राय है वो नहीं ले रख पा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम जैसा सोच रहे हैं वैसी हम अपनी बात रखेंगे तो हमें ट्रोल किया जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा, हाँ, और हो सकता है कि हमारे साथ हिंसा भी हो जाए। तो ये इस तरह का एक माहौल बना है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये गलत दिशा में चीजें जा रही हैं, क्योंकि अगर हम अपनी जो बात जो हम सोचते हैं अगर हम उसको नहीं रख पाएंगे तो हम अंदर ही अंदर घुटेंगे, और अगर हम अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे तो फिर हम अपना हम योगदान स्वाभाविक रूप से समाज को कैसे दे पाएंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इस समय एक कृत्रिम या कहना चाहिए कि एक आर्टिफिशियलिटी जो है वो हमारे ऊपर हावी है। हम अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो सही विचार हैं हम उनको नहीं रख पा रहे हैं,
तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये एक किस्म की हिंसा है जो हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने से रोकती है। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि हम अपने आप को अभिव्यक्त करें, जो हम सोच रहे हैं वो भले ही हमारे सामने वाले को अच्छा न लगे, लेकिन कम से कम हमारा रिश्ता साफ सुथरा रहेगा, हम किसी को धोखे में नहीं रखेंगे। अभी तो ऐसा माहौल है कि जो आदमी अंदर से सोच रहा है और जो बोल रहा है उसमें एक रूपता ही नहीं है, हमें समझ में नहीं आता कि जो बोला जा रहा है क्या वो वैसा ही सोचते भी हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो विदेश जाते हैं तो लोकतंत्र की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भारत में तो एक पूरी लोकतांत्रिक परंपरा है, उसकी बड़ाई करते हैं। हाँ, अपने सांसदों को अभी वो एक मीटिंग में कह रहे थे कि भाई आप लोग संसद अटेंड नहीं करते हैं, आपको अटेंड करनी चाहिए, आपको एब्सेंट नहीं होना चाहिए, वहां पे आपको बहस में भाग लेना चाहिए। और मैं सोच रहा था वहां कोई बहस की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि किसान वाला कानून तो बिना बहस के पास कर दिया गया, कश्मीर वाला जो 370 हटाना था वो भी बिना बहस के हो गया, और उसमें जो कश्मीर के सबसे बड़े नेता थे फारूक अब्दुल्ला, उनको तो संसद में आने ही नहीं दिया गया। तो ये इस तरह की सरकार है जो दिखावा कुछ करती है और असल में कुछ और है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस समय हम अपनी सही राय नहीं रख पा रहे हैं, सही बहस नहीं हो पा रही है, सही जो मुद्दे हैं वो हमारी मीडिया उनको नहीं उठा रही है, और बहुत आर्टिफिशियल किस्म के मुद्दे जो है हमारे मीडिया में छाए रहते हैं, जैसे हिजाब वाला सवाल है। ये तो मुझे लगता है कि कितना पागलपन है, मतलब किसी शैक्षणिक संस्थान में आप इस बात पे बहस करेंगे कि वहां का शैक्षणिक स्तर कैसा है, अगर ठीक नहीं है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, कि आप ये बात करेंगे कि आप क्या पहन के जाएंगे और क्या नहीं पहन के जाएंगे, जिस मुद्दे का शिक्षा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये इस तरह की जो चीजें हमारे समाज में हो रही हैं, ये बहुत नुकसान कर रही हैं, क्योंकि हम असली मुद्दों को छोड़ के हम कृत्रिम चीजों में फंस गए। अब हिजाब के आप पक्ष में हैं या विरोध में, हम इसी में अपना सारा समय खर्च कर रहे हैं, इसी में अनावश्यक बहस कर रहे हैं, और हमारे शैक्षणिक संस्थानों की क्या हालत है उसके ऊपर हम बहस करने को तैयार नहीं है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं किंजल। थैंक यू सर जी। मिसबा, वुड यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स नाउ? रजनी जी, इफ इट्स ओके, कैन आई गो नेक्स्ट? नंदिनी हियर। ओह यस यस, श्योर नंदिनी, गो अहेड। मिसबा, आपको मैं इसके बाद बुलाती हूँ जी, गो अहेड नंदिनी। Yeah, so hello Sandeep ji, I'm Nandini and I'm a student. I'm also working at Pegam and I'm deeply interested in international affairs, so I would like to take the conversation back to the international area. So you actually talked about how Russia actually cheated Ukraine, and you know, perhaps if Ukraine had the nuclear weapons it would have acted as a deterrent, and perhaps the war and the destruction that we have been seeing would have been avoided. And then you also talked about the anti-nuclear weapons movement. So I would just ask that in this whole context, since I am really influenced by the realist point of view, is it really wise for states today to follow the same ideal that individuals have been following? Is it really practical for states to do that? Is it really wise for states to do that? Because to be really honest, if my leader tomorrow, and we know the threats that our country faces, right, from Pakistan to China, and if a leader comes tomorrow and he says that, okay, India will sign the NPT and we will work on renouncing the nuclear weapons and we will work on giving up our nuclear weapons. And we have also seen that Ukraine didn't really get any international support that it was aiming for. In that context,
even I would be apprehensive to vote for a ruler and vote for a leader who would actually, you know, talk about giving up nuclear weapons. Because for me, the state has a bigger role to play. It has a bigger role to play in terms of protecting its citizens and protecting the ideals. So we have seen that even if the war ends today, we will see that Russia will kind of take over the democratic ideals that Ukraine actually stood for. And even if we see the non-violent nations that we're talking about, see for Finland, for example, we have seen that on which cost Finland has become a neutral state, so to speak of. So, you know, is it really wise for states to do that in this situation? Because I, for one, feel that I would not feel comfortable voting for a ruler who comes and says that we will give up nuclear weapons. And I feel that it's too idealistic for me. So how do you see that? And how do you see the future of anti-nuclear weapons movement? Because you say that all of these nations were, you know, focusing on, they said that weaponization will not bring peace. But after what happened in Ukraine, we have seen the same kind of conversations going on in Japan, where the ex-prime minister has come and said that, okay, we need to have a serious conversation about hosting nuclear weapons, if not making them. So how do you see the whole movement going forward? Thank you, Nandini ji, Sandeep ji. Ji, jab main wo baat bol raha tha ki Ukraine ke paas agar nuclear weapon hote, to shayad ye yuddh nahi hota. To main mujhe lag raha tha ki ye baat meri pakdi jayegi aur phir kaha jayega ki dekhiye, ye to isne to deterrent ka kaam kiya. कर सकता था अगर उसके पास होता. लेकिन नंदनी, ये मैं बहुत एक लिमिटेड कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, जिसमें कि रूस के पास है और यूक्रेन के पास नहीं है, है ना. हम तो आदर्श तो हमारा ये है कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें किसी के पास ना हो. और ये एक एक ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है कि 5 देशों ने ये हथियार रखा हुआ है और रखा ही नहीं हुआ है. वो पूरी दादागिरी करते हैं दुनिया के ऊपर और कहते हैं कि हमें रखने का अधिकार है और आपको तो एनपीटी और सीटीबीटी साइन करना पड़ेगा ताकि आप इसको ना बना सकें. तो होना ये चाहिए कि दुनिया के जो बाकी 200 देश हैं 5 को छोड़ के, उनको लामबंद हो जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अगर आप 5 देश अपने हथियार खत्म नहीं करोगे तो हम आपके साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हम आपके साथ नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग में आएंगे ही नहीं जब तक आप अपने हथियार खत्म नहीं करोगे. तो आप जो बात कह रही हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं. एक गांधीवादी होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं अपने स्तर पर तो मानता हूं कि मुझे हथियार की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे देश को जरूरत है. ये मेरे लिए कॉन्ट्रडिक्शन होगा. अगर मुझे हथियार की जरूरत नहीं है तो मेरे परिवार को भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, मेरे समाज को भी जरूरत नहीं होनी चाहिए और मेरे देश को भी जरूरत नहीं होनी चाहिए. मतलब आदर्श समाज तो वो होगा जहां मिलिट्री की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी. मतलब उसको हम सही अर्थों में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कह पाएंगे, जहां सीमाओं पे मिलिट्री नहीं होगी, जहां सीमाओं के आर पार जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होगी, जैसे यूरोप में अब हो गया है या भारत और नेपाल के बीच में है ऐसा, और भी कुछ देशों के बीच में ऐसा हो सकता है. तो ये स्थिति, हमें तो इस स्थिति की तरफ बढ़ना है जिसमें कि हम हथियारों और सेनाओं से और हो सके तो पुलिस से भी हम पूरी तरह से मुक्ति पा सकें और हमारी सुरक्षा हमारा समाज होना चाहिए. मतलब हमारे हमारे मोहल्ले में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ ना हो, किसी घर में चोरी ना हो, कोई किसी के साथ गुंडागर्दी ना करे. ये हमारे मोहल्ले को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जैसा कई जगहों पर है. कई जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पुलिस कई बार, खास करके जैसे मणिपुर में मैंने देखा है कि वहाँ माओ का बहुत मजबूत संगठन है, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ लड़कों को उठा के ले जाती थी इंसर्जेंसी के कारण कि ये फला इंसर्जेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं
ये उससे जुड़े हुए हैं, तो उनको रोकने का काम वहां की महिलाओं ने किया। तो इसी तरीके से अगर समाज में कोई गलत काम हो रहा है तो उसके उसको रोकने का काम समाज को सामूहिक रूप से करना पड़ेगा, और तब हमें इस तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि नंदनी हकीकत यह है कि अगर एक भी रहेगा तो फिर हम दूसरा दूसरे को मना नहीं कर सकते कि तुम ना रखो, और इसीलिए ये स्थिति बनी है कि 10 देशों ने बना लिया है। आप कल्पना कीजिए कि आज अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होता रूस के पास, अगर रूस ने भी अपना पूरी तरह से खत्म कर दिया होता, अमेरिका और रूस के बाद के बीच में कई सारी सॉल्ट और स्टार्ट ट्रीटीज हुई हैं, अगर इन ट्रीटीज में ये तय कर लिया होता कि हम एकदम खत्म कर दें, जीरो कर दें, तो भी शायद ये युद्ध नहीं होता। तो ये युद्ध ना होने की दो सूरत है। एक तो सूरत ये है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होता, तब शायद ये युद्ध नहीं होता, और दूसरी सूरत यह है कि दोनों के पास नहीं होता तो भी ये युद्ध नहीं होता, तब रूस जो है इतनी आसानी, अभी आज रूस जो है इतनी दादागिरी क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और उसने धमकी भी दे रखी है कि हम चला भी सकते हैं, और उसे शायद ये भरोसा है कि दूसरी तरफ से अमरीका नहीं चलाएगा, लेकिन अगर रूस का चलेगा तो मेरे ख्याल से अमेरिका का भी चलेगा ही, और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो इस बात का फायदा उठाते हुए रूस हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर कि रूस के पास है, यूक्रेन के पास नहीं है। लेकिन अगर रूस के पास भी नहीं होता तो शायद रूस इतनी दादागिरी नहीं कर पाता जितना वो कर रहा है, और शायद अगर कोई लड़ाई होती भी तो कुछ दिनों के बाद बातचीत करके वो खत्म हो जाती, समस्या का हल निकाल लिया जाता। अभी तो उसके पास ये हथियार है इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि एक ऐसी दुनिया बने जिसमें कि जो बात हम अपने स्तर पे मानते हैं कि हमें अपने स्तर पे हथियार नहीं रखने हैं, तो हम अपने नेता, देखिए इस बिहेवियर में बहुत फर्क नहीं है नंदनी, इस बात को आप समझिए, किसी भी आप इलाके में चले जाएंगी तो वहां कुछ गुंडे लोग होते हैं, हाँ वो गुंडों की दादागिरी होती है पूरे इलाके में। तो उसी तरीके से ये दुनिया के स्तर पे ये 5 गुंडे हैं, हाँ इनकी दादागिरी चल रही है। ज्यादातर लोग बहुत जैसे सामान्य व्यक्ति होता है, वो नहीं चाहते कि इस लड़ाई झगड़े में पड़े, हाँ वो इन गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। मतलब जो जितना बहुत मजबूरी है कि हमें अमरीका से तेल लेना है या कुछ लेना है तो हम बस उतना संबंध उनके साथ रखना चाहते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रखना चाहते। ज्यादातर दुनिया के देशों में आप जाएंगी तो लोगों के अंदर बहुत एक एंटी एंटी अमेरिकन फीलिंग है। मतलब ईरान चली जाए तो बात दूसरी है, वहां तो डोरमैट के रूप में अमेरिका के झंडे का इस्तेमाल किया जाता है कि आप उसके ऊपर पैर रख के जाए। तो अमेरिका ताकतवर देश होगा लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा गुंडा है। और इसी तरह से भारत के अगर आप आस पड़ोस के देशों में जाए, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो जो जो छवि हमारे मन में अमेरिका की है वही इन देशों की हमारे लिए है। उनको लगता है कि ये हमारा ये एक एक इलाकाई गुंडा है ये, हाँ जिसके पास इतनी बड़ी सेना है जो कभी भी चाहे तो मनमानी कर सकता है, जैसे इसने घुस के बांग्लादेश को आजाद करा दिया, सिक्किम के ऊपर कब्जा कर लिया, हाँ तो हमें भी एक छोटी मोटी छोटे मोटे गुंडे के रूप में देखा जाता है इस इलाके में। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमें सभ्य इंसान की तरह रहना चाहिए, और हथियार रखना कोई सभ्यता का प्रतीक नहीं, ना ताकत का। जी 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 मिसबा, वुड यू लाइक टू स्पीक नाउ? जी 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 प्लीज अपना परिचय दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग सब अपनी बात थोड़ा संक्षिप्त में रखें, क्योंकि अब हमारे पास करीब 20 मिनट और हैं। तो रजनी जी ने नाम तो मेरा बता दिया, और मैंने इसी साल जर्नलिज्म से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, और अभी पैगाम के साथ जुड़ी हुई हूँ।
तो मेरा सवाल थोड़ा सा पीछे से है. अभी संदीप जी ने एक बात कही थी कि घर में हमेशा हमें ये सिखाया जाता है कि दूसरों पर भरोसा ना किया जाए, और उन्होंने कहा था कि भय इसलिए है क्योंकि विश्वास नहीं है. तो मेरा सवाल ये है कि आज के समय में जब कंपटीशन का दौर है और लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में हैं और जुबानों पर हथियार लिए घूम रहे हैं, ज्यादातर आपके साथ वाले ही आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, तो ऐसे समय में कैसे हम लोगों पर विश्वास करें और हिंसा के रास्ते पर ना जाकर अहिंसा के रास्ते पर बने रहें? जी मिसबा जी, मैं ये कहूंगा कि अभी हमें इतना नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी ज्यादातर लोग जो है वो आपसी भरोसे पे ही अपने रिश्ते चला रहे हैं, चाहे वो व्यापार के रिश्ते हों, चाहे वो परिवार के रिश्ते हों, चाहे वो दोस्त के रिश्ते हों. अभी भी आप अगर देखेंगी तो हम उन्हीं रिश्तों में जीना पसंद करते हैं जहां जिनका आधार आपसी विश्वास है. और मैं ये नहीं कह रहा था कि परिवार में ये सिखाया जाता है. असल में सिखाया तो हमें पारंपरिक रूप से एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना ही सिखाया जाता है, लेकिन ये जो मॉडर्न एजुकेशन नाम की चीज है, ये हमें हमारे अंदर कंपटीशन की भावना पैदा करती है जो कि अननेचुरल है. ये अस्वाभाविक है. आप देखिए कि जो लोग इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से नहीं गुजर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, किसान है, वो खेत में कोई अनाज पैदा कर रहा है, या कोई कोई बुनकर है, वो साड़ी या कोई कालीन बुनने का काम कर रहा है, और किस्म का कोई कारीगर है, तो ये जो पूरा वर्ग है, या मजदूर है जो घर बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग जो किसी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से नहीं गुजरे हैं, इनकी जिंदगी में कंपटीशन की वजह से जो एक दूसरे को पीछे छोड़ने की भावना आती है वो नहीं है, बल्कि ये ज्यादातर जो इस वर्ग के लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इनको तो आपसी सहयोग से काम करना पड़ता है. अगर वो सहयोग से काम नहीं करेंगे तो उनका काम ही नहीं चलेगा. मतलब मान लीजिए कि एक घर बनाया जा रहा है और उसमें दो पिलर खड़े करने हैं, तो दो मजदूर जो दो पिलर बना रहे हैं, जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक वो बिल्डिंग सही से बनेगी ही नहीं. तो इसी तरह से किसान की बात है, किसान कोई बगल वाले किसान की खेती देख के नहीं तय करता है कि मैं कौन सा अनाज और कितना पैदा करूं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से पैदा करता है. हाँ, ये जरूर है कि आजकल बाजार का प्रभाव कुछ पड़ गया है तो वो ये सोचता है कि मैं कैसे कमा लूं, लेकिन फिर भी वो अगल बगल के किसान से राय लेगा, उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं करेगा. और यही वर्ग वो वर्ग भी है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं करता है. जबकि पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो कंपटीशन वाली प्रक्रिया से गुजरता है, वो सारा भ्रष्टाचार करना भी सीख जाता है, काम चोरी करना भी सीख जाता है. आप कुछ कह रही है क्या? संदीप जी, इसमें मैं थोड़ा कुछ ऐड करूं? हाँ, बताइए. सॉरी, तो मैं बस इसको पूरा कर लूं. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी भी ज्यादातर लोग, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जो वाकई में कंपटीशन की उससे गुजर रहे हैं, उनकी संख्या अभी भी कम है, और जो सहयोग एक दूसरे के सहयोग से अपनी जिंदगी चलाते हैं अभी उनकी संख्या ज्यादा है. तो इसलिए आपको बहुत नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है. आप ऐसे लोगों को खोजिए जो जिनके अंदर सहयोग और एक दूसरे की मदद करने की भावना है,
दोस्ती की भावना है, जो अपने रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसे लोगों की संख्या अभी भी अब आप बहुत खूब नहीं मिस्मा, मैं बस इतना जोड़ना चाहती थी कि आपका जो अनुभव है ना, वो तो हम अपने इर्द गिर्द एटलीस्ट ये शहरी बड़े शहरों की दुनिया में तो हम बिल्कुल देख रहे हैं, है ना। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत छोटे शहरों से भी जो यंगस्टर्स, जो नौजवान लोग निकल के आ रहे हैं, वो कितना उनको कितनी कठिनाइयां हैं, और एक एक संस्था में एंट्रेंस के लिए जहाँ 500 सीटें होती हैं वहां 500,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो ये तो एक बिल्कुल असलियत है। और उसकी जो बेचैनी है वो आपकी पीढ़ी के लोगों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। लेकिन मुझे इसमें जो एक अपॉर्चुनिटी, जो इसमें एक मौका दिखता है ना, वो शायद ये है कि इस हालात में आपको अपना खुद का अस्तित्व बनाने की चुनौती और ज्यादा तीव्र है। मीनिंग के रेस तो बड़ी दौड़ी जा रही है, बट क्या ये संभव है कि हर इंसान के सामने ये एक चॉइस है कि भाई इस रेस में मैं दौड़ूंगा कि नहीं, या अगर सब लोग हथियार उठा रहे हैं तो मैं हथियार उठाऊंगा कि नहीं। क्योंकि कुछ हद तक जो ये कंपटीशन का एक हवा है वो शायद थोड़ा बहुत भेड़ चाल वाली बात भी है, एक मतलब मैं खाली आपके सामने विचार रख रही हूं, और शायद ये सोशल मीडिया की दुनिया में वो और भी मुश्किल हो गया है अपने आप को उस पागल दौड़ कहें या भेड़ चाल कहें उससे अलग करना मुश्किल तो है। लेकिन ये भी संभावना है कि अपने आप को उससे कुछ अलग रास्ते पे चलना जो है वो बड़ा एक्साइटिंग भी हो सकता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू लीव दैट पॉसिबिलिटी विद यू। आकृति, वुड यू लाइक टू कम इन नाउ? श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे पहलुओं के ऊपर बात हुई है और मुझे भी कुछ तीन किस्से जो है, मतलब उदाहरण है जो दिमाग में आ रहे हैं, जिसमें एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हुई है और व्यक्तिगत स्तर पे भी हमने बात की है, लेकिन आज के युवाओं को किस तरीके की पर्सनालिटीज और आइकन्स अपील करते हैं, एक मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ था कि कैसे भगत सिंह का जो एक तरह का पर्सोना है वो ज़्यादा प्रभावित करता है, या फिर अगर बात करें अभी भीम आर्मी की और चंद्रशेखर आज़ाद का उदाहरण लें, तो उसमें भी एक तरह का रेडिकलिज्म है जो कहीं उसके मूल्य में शायद अहिंसा की बात भी छुपी हुई है, लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो काफ़ी, जैसे युवाओं में बोला जाता है गर्म खून है और इस तरीके से उनमें कुछ कर जाने का, ऐसे तो गांधी जी ने भी बोला था करो या मरो, तो कैसे हम इन चीजों को एक साथ लेके चलें। और तीन मुझे ऐसे उदाहरण लगते हैं जहाँ पे इस तरह की रेडिकल पॉलिटिक्स एक तरह से अनिवार्य नजर आती है। पहला है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या जो इंडिपेंडेंस का जो सवाल है, कश्मीर काफी मुद्दों में आजकल एक तरह से मुद्दा बना हुआ है, तो अगर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बोला जाता है कि इनहेरेंट है वायलेंट स्टेट रिप्रेशन की बात हो चाहे, या फिर उसमें ये हो कि अगर उनको आज़ादी मिल गई तो फिर पाकिस्तान आके और भागों को भी जो है घेर लेंगे, या फिर दूसरे मुद्दा है कि रेडिकल कास्ट मूवमेंट, जैसे कि भीम आर्मी का ही मैंने उदाहरण दिया कि एक ऑपरेशन का ही एक तरह से रिस्पॉन्स है कि उसमें एक मिलिटेंट एक्शन, और मिलिटेंट एक्शन से मैं ये नहीं कह रही कि वो वायलेंट एक्शन हो, और क्योंकि मेरा काम लेबर पे है तो लेबर मूवमेंट्स में भी ट्रेड यूनियनिज्म की चाहे बात हो या हिस्ट्री ऑफ लेबर स्ट्रगल्स की बात रही हो, तो उसमें एक तरह से अग्रेसिव और एक्टिव रोल रादर देन सिर्फ डिफेंसिव की एक वेज की लड़ाई है, तो इन तरह की चीजों में हमने देखा है कि कैसे थोड़ा
ज्यादा रेडिकल और अग्रेसिव तरीके का स्ट्रेटजीज रहती हैं, पर मुझे इनमें भी बहुत बड़े तरीके से पोटेंशियल नजर आता है अहिंसा का, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि उसको कैसे कंबाइन करें? और ये वापस जाता है रजनी जी के पहले सवाल में कि अहिंसा है क्या, और आज के दौर में उसकी पुनर्परिभाषा, उसको एक तरह से री इंटरप्रिटेशन को कैसे हम कंबाइन करके देख सकते हैं। तो मेरा कुछ ये, मैं जानती हूँ कि बिखरे हुए थॉट्स हैं, पर मैं चाहती हूँ कि संदीप जी भी इस पे अपनी राय रखें। जी आकृति, आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया है। भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह के बारे में हमने ये भी सुना है कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बम फोड़ा था असेंबली में, वो हिंसा करने के लिए नहीं था बल्कि लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए। तो ये बात सही है, युवाओं में ऊर्जा होती है, शायद इसलिए उनको इस तरह के जो आइकॉन्स हैं वो ज्यादा आकर्षित करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का भी एक बाहरी स्वरूप है, आपने उनकी एक फोटो देखी होगी, एक जीप पे दो बंदूक लेके वो खड़े हैं, हाँ, तो शायद वो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कोई भी जो समझदार, और अब मैं तो चंद्रशेखर के चुनाव प्रचार में गया था गोरखपुर में, और वहां की कचहरी में मैं उनके साथ 2-3 घंटा घूमा, तो कोई भी समझदार जो नेता होगा, और अभी तो मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं नागालैंड होके आ रहा हूँ, जहाँ NSCN नाम का एक संगठन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नागालैंड का ही शब्द है, और आइजेक मुइवा ग्रुप है जो पहले एक इंसर्जेंसी में शामिल था, लेकिन फिर भारत सरकार के साथ इनका एक युद्ध विराम हुआ 1997 में, और उसके बाद से वो लगातार भारत सरकार के साथ बात कर रहे हैं, और उनका अभी समाधान नहीं निकला है। हालांकि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नाम का एग्रीमेंट 2015 में नरेंद्र मोदी के सामने उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन मैं जो मुख्य बात ये कह रहा था कि जब मैं वहां पे था तो उनके जो उनकी अपनी एक आर्मी है, उसका नाम है नागा आर्मी, और वैसे ही वो कपड़े पहनते हैं जैसे भारत की सेना पहनती है। अगर आप उनके इलाके में जाएंगे, जो उनका हेडक्वार्टर है दीमापुर से 45 किलोमीटर बाहर, कैंप हेब्रॉन में, तो एक जगह से आपको भारतीय सैनिक एक जगह तक मिलेंगे और उसके बाद फिर उनके सैनिक। अगर आपको बताया नहीं जाए कि ये नागा आर्मी के सैनिक है, तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये भारतीय सेना के सैनिक नहीं है। वो उसी तरह से तो वहां पे उनका राज है, और उनकी जो सेना के जो चीफ हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपने भाषण में कही जब हम वहां गए और वहां एक कार्यक्रम हो रहा था। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी सेना जरूर है, लेकिन सेना हमने अपनी लड़ाई के लिए बनाई हुई है, मतलब जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, नागालैंड के एक अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमने आज तक कोई ऐसी हिंसा नहीं की जहां हमने किसी निर्दोष लोगों को मारा, और कभी भी हमने नागालैंड के बाहर जाके हिंसा नहीं की। हमारे सैनिक जब संघर्ष होता है तो भारत की सेना के साथ के सैनिकों के साथ संघर्ष करते थे, लेकिन अगर वही भारतीय सैनिक अगर यूनिफॉर्म में नहीं है, वो सिविल ड्रेस में अगर वो जा रहा है अपने घर, कोई बस पकड़ रहा है, तो हम उसको नहीं मारते थे। तो उन्होंने अपने सिद्धांत भी तय किए हुए हैं, और वो अनावश्यक हिंसा या इस तरह की हिंसा जिसका कोई मतलब नहीं है वो नहीं करते थे, ऐसा उन्होंने बताया। और इसके उल्टे अगर आप देखिए तो अभी पिछले साल ही 4 दिसंबर को भारतीय सैनिकों ने 13 या 14 नागालैंड के साधारण लोगों को गोली से मार दिया और कहा कि ये हमसे गलती हो गई, इट वॉज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। अब बताइए, ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसी सेना है और कैसा देश है कि कभी वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से 13 मजदूरों को गोली से भून देता है, और कभी गलती से उसकी मिसाइल पाकिस्तान में चल जाती है। मतलब
ये सारी जो चीजें हैं इसके गंभीर निहितार्थ हैं। तो जो जो वाकई में जनता के लिए काम कर रहा होगा वो मुझे लगता है कभी भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेगा, और गांधी जी ने यही समझ के अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था, क्योंकि उनको मालूम था कि भारत की जनता अंग्रेजों से जो आज़ादी है वो हथियारों से लड़के नहीं पा सकती है, उसकी लड़ाई अहिंसक ही होनी होगी। और मुझे लगता है दुनिया के जितने समझदार नेता और संगठन हैं वो हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते अपने अपने संघर्षों में, वो संघर्ष जरूर करते हैं, अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन वो अनावश्यक हिंसा नहीं करते। और इसलिए गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी लड़ाई में हिंसा होनी है तो दुश्मन की जान जाने के बजाय मेरी जान जाए। तो मैं ये कहूंगा कि सतही तौर पे किसी आइकॉन के प्रति आकर्षित होना एक बात है, लेकिन अगर थोड़ा भी समझदारी के साथ अगर हमारे नौजवान नवयुवतियां समझेंगे चीजों को, तो कई बार लोग कह देते हैं कि नहीं हम गांधी के रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और वो उनका बहुत सम्मान करते थे, उनको अपना नेता मानते थे, और भगत सिंह के बारे में तो मैंने बताया ही। तो जी, मुझे जी। नहीं लगता कि एक एक परसेप्शन है और एक हकीकत है। तो हो सकता है कि अपने संगठन को बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए बाहरी तौर पे दिखे कि वो हिंसा का सहारा ले रहे, लेकिन वो उन्हें भी मालूम है कि वो हिंसा के सहारे अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उन्हें तरीके तो अहिंसक ही अपनाने पड़े, तभी उनकी लड़ाई लंबी चलेगी, तभी उनकी लड़ाई लंबी चलेगी। अगर वो हिंसा अपना लेंगे तो उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, उन्हें कुचल दिया। जी जी, एक स्टडी भी हुई है 20वीं सदी के संघर्षों पर, उसमें कई सैकड़ों संघर्षों को जोड़कर उसकी रिसर्च हुई है, और उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मजॉरिटी जो संघर्ष हुए आजादी के लिए हुए या किसी किस्म की डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए हुए 20वीं सदी में, तो मजॉरिटी जो है वो अहिंसक या कम से कम सिविल डिसोबीडियंस विद नॉन वायलेंस इस किस्म के संघर्ष रहे, क्योंकि उनमें लोग ज्यादा आसानी से शामिल हो पाते हैं। लेकिन अब आई थिंक समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं अपना एक मिनट, मेरा आई इनवाइट एवरीवन टू शेयर सम क्लोजिंग थॉट्स इन जस्ट वन मिनट ईच, एंड मेरा एक मिनट में इस पे गौर करना चाहती थी, मतलब जोर देना चाहती थी कि जो अरनाज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई मुझे किसी ने पीड़ित किया तो अब मैं आगे उसका जवाब दूं, ये जो एक बड़ा लंबा क्रम चलता है इससे हम कैसे छूटें, तो ये मुझे लगता है बहुत बुनियादी सवाल है, और ये केवल कोई बाहर समाज में या राजनीति में नहीं, हमें सबसे पहले ये सवाल अपने जीवन में, अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में ये सवाल का जवाब देना पड़ता है। और I'll just stop by saying that, you know, the experience of keeping a anger or a bitterness alive is much more energy consuming, emotional and mental energy consuming than you know, trying to find common ground and move on with justice and dignity. So now I'll just follow the clockwise on the screen. Arnaz, your 1 minute closure. जी, actually सबके सवाल सुन के and संदीप जी आपकी बातें भी सुनकर I think there is a hope, and also the takeaway for me is the analogy of light and dark.
कि अहिंसा का स्रोत यू कैन ट्रेस एंड फॉलो, तो वो काफी ही अलाइव है एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू मूव टूवर्ड्स नॉन वायलेंस. आई थिंक दैट इज द टेक अवे फॉर मी. बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं नहीं, आपका शुक्रिया आने के लिए. प्रकम्या, आपका एक मिनट. Yes, ma'am, definitely. The takeaway from this meeting would be that we as youth need to think and expand our horizons in various different ways. We should apply where could work be done basic on the basis of Ahimsa and on the basis of the Gandhian ideology. And rather than putting our whole fascination towards the concepts of Bhagat Singh and the concepts of Subhash Chandra Bose, which were applicable in different scenarios, we as youth need to identify and we need to increase the horizon to identify which are the situations where the things could be done in a more sensible and in a more profitable way. So thank you. Thank you for joining us. Misbah? Misbah, आप यहाँ अपनी बात रखेंगी? जी. Closure में एक मिनट. जी, मैंने जो सवाल किया उससे आप जो सवाल किया था उससे मैंने काफी रिलेट किया था, क्योंकि हमेशा ऐसा बोला जाता है घरों में. तो मैंने अपने पर्सनली एक सीख के लिए सवाल किया था, क्योंकि एज अ यूथ मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों से सीख पाऊंगी. और थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. किंजल, closing remarks or any takeaways? Our takeaway would be, again, like my friend said, Anna said that it is not entirely hopeless to practice non-violence, and also inspiration from Sandeep ji, because it was just very nice to hear him talk. So thank you very much for inviting us and having us here. Thank you. Akriti and Nandini, would you like to share any thoughts before we close, before we hear from Sandeep ji's closing comments? Bilkul, Sandeep ji ek baat rakhe the ki apne jeevan mein wo yaad kar rahe the aise kaun se neta hai jinhone ek samajhdar swaroop dikhaya. तो बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे उदाहरण आज हमारे साथ हैं. संदीप जी का पूरा अगर जीवनी देखें, उनके स्ट्रगल्स देखें, और रजनी जी, तो मुझे लगता है हमें बहुत खुशकिस्मती है कि इस तरह की हम लोग मौके मिल रहे हैं कि आप लोगों से बात कर सकें, सीख सकें और आपके संघर्षों में शामिल हो सकें. ये बहुत अच्छा रहेगा. और अंतिम में एंटी सीए प्रोटेस्ट्स और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, मुझे लगता है अहिंसा का पार्ट इन दो बहुत रीसेंट आंदोलनों ने बहुत बखूबी सिखाया है और उनकी सक्सेस को भी एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया है. तो इसी पे मैं एंड करना चाहूंगी अपनी बात. बढ़िया. नंदिनी. Yeah, thank you, Rajni ji. I think Akriti has summed it up beautifully. And I think we all had our varied discussions and questions, but I think we all realize the importance and value of nonviolence, both at the individual level and at the state level. And I would just like to say that this was the perfect first session for our conversations going forward. And we hope that we have more insightful conversations in the future. We will. Looking forward to continue to do this. It's a pleasure and an honor to work with all of you. Sorry, Akriti कुछ कह रही है. Congratulations to Rajni ji, 108 बहुत ही खूबसूरत हिंसा conversations की. Yes. जी जी. Thank you. और ये journey आगे चलती रहे. बिल्कुल. नहीं नहीं, ये कारवां बढ़ता जाएगा और ये journey तो हम committed हैं इसको continue रखने के लिए. So संदीप जी, final word to you. And then we'll close. आप अपने एक मिनट में जो भी आपका क्लोजिंग रिफ्लेक्शन. जी नहीं, मेरा यही कहना है कि देखिए जो जो शाश्वत मूल्य है, शाश्वत का मतलब जो हमेशा बने रहेंगे, इटर्नल वैल्यूज, इटर्नल
उसमें हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, और जिसमें कि अहिंसा भी एक है, सत्य है, है ना। तो अगर हम जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, जैसे आजकल कई लोग जो हैं मैं देख रहा हूँ, हमारे अपने परिवारों में भी ऐसे लोग हैं जो समय के बहाव में थोड़ा बह गए हैं, उनको आप उस तरह की बातें, उन तरह की बातों का समर्थन करते हुए आप उनको देखेंगे जो इस समय की राजनीति हावी है, जबकि वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब अतार्किक बातें, गैर समझदारी वाली बातें। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपने जो मूल्य है उसमें हमारा विश्वास अगर पक्का रहेगा तो जो जो सही मूल्य है वही अंत में विजयी होंगे, वही स्थापित होंगे। और इस तरह की जो चीजें हैं, जो राजनीति से जो पूरी हवा बनाई जाती है, ये तो देखिए स्थायी नहीं होती है, ये तो आज है कल नहीं रहेगी। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जो चीज हमें सही लगती है हम उसी पे टिके रहें, हम उससे इधर उधर न डिगे। बहुत खूब, सो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी, यही उम्मीद है और यही योजना है, यही प्लान है। थैंक यू टू पैगाम टीम, थैंक यू किंजल एंड अरनाज एंड ऑल प्रकम्या मिस्बा, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा संदीप जी का शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुए, और हम इसी तरह आपसे मिलते रहे, यही उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, ओके, नमस्कार एंड ऑल। Thank you.